हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, मोदी जी ने आज सच में कश्मीर को स्वर्ग बना दिया। अरे वाह, चलो देखते हैं क्या ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाना बंद करो, हिंदुस्तान में कश्मीर में इंटरफेयर करना बंद करो। वो हिंदुस्तान की हुकूमत को बोलते थे हमें हफ्ता देते रहो, वरना हम पाकिस्तान के नारे लगा के, फ्रीडम के नारे लगा के कश्मीरियों को तुमसे अलग कर देंगे। वो हमारे लीडर्स नहीं, हम उन्हें लीडर्स मानते नहीं। जब वो डिटेंशन में थे, हम में से कोई भी एक भी कैंडल लेके सामने नहीं आया कि उन्हें छुड़ा दो। कोई आया सामने, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अंदर है या बाहर है। बिकॉज द रीजन इज, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल गेन्स के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। ना उन्हें हमसे प्यार है, ना हिंदुस्तान से प्यार है। आप श्रीनगर में है, कश्मीर आप घूमती रहती है, आपको पता है इस वक्त क्या हालात है, करंट सिनेरियो क्या है, वहां पर लोग क्या कहते हैं, आपका क्या पॉइंट वहीं रहती है? क्योंकि लोग जो हैं उनकी बहुत सारे सपने हैं जो वो फुलफिल नहीं हुए बहुत सालों से, क्योंकि ये 370 की कंफ्यूजन में बेचारे जो लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी जिनके ख्वाब हैं, ऑर्डिनरी नीड्स हैं, ऑर्डिनरी वांट्स हैं, ये सारी क्रश हो गई थी। एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड बना दिया था कश्मीर को बहुत सालों से। वो तमाम पाकिस्तानी जो इस तरह की बातें करते हैं, कश्मीर में फ्रीडम फाइट चल रही है, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, उन सबको जो इस तरह की बातें करते हैं उनको एक ही चीज, और जो बार बार इस चीज में महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला फैमिली को खींच लाते हैं, मैं तमाम कश्मीरी कौम की तरफ से एक ही चीज बोलूंगी, हमीद साहब को, आपको और एसएस, इस तरह की बातें करने वाले हर एक पाकिस्तानी को, हु केयर्स व्हाट यू से, हु केयर्स व्हाट यू थिंक। 56% वोटिंग टर्नआउट इन डीडीसी इलेक्शंस, ओके 56% वो क्या लोग नहीं है, वो क्या कश्मीरी नहीं है? अगर 56% ऑलरेडी आ गया, मतलब 50 के ऊपर आ गया, तो अब ये तारीख, ये मिलिटेंसी, ये सारी चीजें, बातें आप लोग बंद कर दो। हम इसमें नहीं घुसने वाले, अब हम और बेवकूफ नहीं बनने वाले। हाँ, आपको पाकिस्तान से, हमीद साहब आपको पाकिस्तान से फ्रीडम चाहिए, प्लीज गो अहेड एंड टेक इट, हमें मत इन्वॉल्व कीजिए। हम ये नहीं डिनाई करते, पंजाबी हमारे भाई हैं, बिहारी हमारे भाई हैं, फार्मर्स हमारे भाई हैं, हम ये नहीं डिनाई करते कि हमारे यहाँ मसले मसाइल होते रहते हैं। वी आर अ डेमोक्रेसी, किसी को एक चीज पसंद है, किसी को दूसरी चीज नहीं पसंद, बट वी डोंट नीड अ पाकिस्तान टू टॉक ऑन आवर बिहाफ। वेरी गुड, ओके, वी डोंट नीड। और दूसरी चीज मैंने क्यों बोला, इवन अब्दुल्ला मुफ्ती के बारे में, हु केयर्स, मैंने ये क्यों बोला है, बिकॉज उनको आज पावर है नहीं। आज पावर सीधे, जैसे मैंने कहा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके हाथ में आज पावर जा रहा है। I care about them, I care about my own constituency, and just like me, every Kashmiri will care about their own constituency, कि हमारी constituency आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े। हमें अब और बरगलाया नहीं जा सकता इन सब चीजों में, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी इंडियन citizens, एंड जो आप कह रहे हैं 9 लाख फौज, उसमें से ज्यादा, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज कश्मीरीज, लेट मी टेल यू, फौज में भी कश्मीरीज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में भी कश्मीरीज हैं। तो ये जो कुछ चंद आपकी तरफ से आते हैं और गोली ठोक के मर जाते हैं, दिस डज नॉट डिफाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कश्मीरी। अ कश्मीरी जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन वांट्स द सेम थिंग्स, वांट्स अ गुड लाइफ, वांट्स डेवलपमेंट, वांट्स टू कोएग्जिस्ट हैप्पीली विद आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द कश्मीरी पंडित्स। उनके बिना आज मैं आपको खून से लिख के देती हूँ, एक आपको कश्मीरी मुसलमान नहीं बोलेगा कि हम बिना हमारे कश्मीरी हिंदू के रहना चाहते हैं या हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर कोई भी कश्मीरी ऐसा सोचता तो आज गिलानी साहब को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। सो सिंपल थिंग। या ना, एक मतलब दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आप बात करिए कि महबूबा मुफ्ती, हु केयर्स अबाउट महबूबा मुफ्ती एंड शेख फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट, ओके फाइन, ठीक है, नोबडी केयर्स अबाउट, बट द थिंग इज, इस सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर है वो पाकिस्तान से नहीं है, वो आपके कश्मीर के अंदर पैदा हुए, वहां पे उन्होंने पॉलिटिक्स की और वहीं पे वो पॉलिटिक्स करते हैं। अब उनके साथ आप लोग क्या करेंगे, मतलब बीजेपी की हुकूमत, मोदी जी हो या कोई भी हो, उनको क्यों 1.5 साल से, अगर मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल द पीपल आर वेरी हैप्पी आफ्टर 370 एंड 35 पे,
मैं कहूंगा कि उनके लीडर्स को क्यों घरों में बंद किया जाता है, क्योंकि आप बेहतर इसके ऊपर काम। वो हमारे लीडर्स नहीं, हम उन्हें लीडर्स मानते नहीं। जब वो डिटेंशन में थे, हम में से कोई भी एक भी कैंडल लेके सामने नहीं आया कि उन्हें छुड़ा दो। कोई आया सामने, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अंदर है या बाहर है। बिकॉज द रीजन इज क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल गेन्स के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। ना उन्हें हमसे प्यार है, ना हिंदुस्तान से प्यार है। वो हिंदुस्तान से एक तरफ से पैसा लेते हैं और उस पैसे को हमारे हम तक पहुंचने नहीं देते। वो इसके लिए दे आर लाइक पपेट्स। वो एक तरह के वो गुंडे नहीं होते जो हफ्ता लेते हैं। वो हिंदुस्तान की हुकूमत को बोलते थे हमें हफ्ता देते रहो, वरना हम पाकिस्तान के नारे लगा के, फ्रीडम के नारे लगा के कश्मीरियों को तुमसे अलग कर दे। बिल्कुल कहते थे। तो अगर हमें चुप कराना है तो हमें हफ्ता देते रहो। और वो हफ्ता हिंदुस्तानी गवर्नमेंट 70 साल तक इन दो फैमिलीज को देती रही। और इन्होंने हमें उसमें से कितना दिया, क्या दिया, आप बताइए। हमारे स्टेट में एक भी हमारी खुद की मेडिकल कॉलेज नहीं है। आई नो कि कंपेयर टू आपके साइड के कश्मीर से ज्यादा अल्लाह के रहम से हम ज्यादा आगे हैं, हम ज्यादा डेवलप हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया के उससे कंपेयर करो तो जम्मू कश्मीर बहुत ही पीछे है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज करप्ट डायनेस्टिक फैमिलीज जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से आते हुए फंड्स खुद खा लिए, एम्बेजल कर लिए, हम तक पहुंचने नहीं दिए। वेरी गुड। और ये सब 370 की आड़ में, इसलिए ये लोग 370 वापस मांगते हैं। और दूसरा, जब मैं बोलती हूँ हु केयर्स, इसका एक और रीजन है, हु केयर्स व्हाट पाकिस्तानी सेज, इसका एक और रीजन है क्योंकि शेख अब्दुल्ला चाहे जितने भी करप्ट हो, वो चाहे जितने भी टाइम डिटेंशन में बैठे हो, वो आज तक बोलते हैं कि हिंदुस्तान मेरे दिल में है, हिंदुस्तान को मुझसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। इवन सेम डिटो उमर अब्दुल्ला यही कहते रहे, अगर आप उनके ट्वीट पढ़े, वो यही कहते हैं कि मैं उन्होंने डिटेंशन में रखा गया, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन हिंदुस्तान को मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और उसके अलावा खुद शेख अब्दुल्ला इस आज वो इस मुकाम पे है कि नोबडी केयर्स, लेकिन वो फिर भी कहते हैं, पाकिस्तान को ही कहते हैं कि हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाना बंद करो, हिंदुस्तान में कश्मीर में इंटरफेयर करना बंद करो, वो खुद भी कहते हैं। तो आई थिंक यू शुड नॉट बी गिविंग हिज, मतलब उनकी तरफदारी करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल किसी की तरफदारी नहीं नहीं करती, ना शेख अब्दुल्ला की, ना महबूबा मुफ्ती की, ना किसी और की। आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पॉलिटिकल लीडर, बट द थिंग इज कि यही लोग वहीं पे सियासत करते थे और यही सबसे मतलब जिसे कहते हैं नियर एंड डियर थे। ये कोई मतलब पाकिस्तान की तरफ से ये लोग नहीं भेजे गए थे जिनको आप लोग। और एक चीज, महबूबा मुफ्ती अपने ट्विटर के ऊपर ये भी लिखती है, हमें पाकिस्तानी होने के ताने दिए जाते हैं, हमारे लिए गाली बना दी गई। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी बीबीसी की तकरीबन एक हफ्ता पहले की स्टोरी है, जिस लोगों की वहां पे शादी है, वो कहते हैं कि हमें जाने नहीं दिया जाता और हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता कि आप लोग पाकिस्तानी हो। हालांकि मैं तो इस कश्मीर के लोगों को मैं कहता हूँ कि वो कश्मीर पहले है, उनके लिए पाकिस्तान बाद में है, क्योंकि उन्होंने उस तक अलग से मुल्क नहीं बना उस तरीके से जिस तरह शायद होना है या होगा या जो भी, बट डिसाइड आप लोगों ने करना, मैं नहीं कर सकता डिसाइड। अमित साहब, याना ने जिस तरीके से बात की मतलब वहां की पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें तरक्की नहीं कर दी, मतलब इस तरफ वाली कश्मीर में भी तरक्की नहीं है। सर, मैं अभी याना से थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, तरक्की नहीं है, लेकिन जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ उस साइड वाले कश्मीर से, तो वहां नो डाउट अबाउट इट कि हमारे कश्मीर के मुकाबले में दैट्स मोर डेवलप्ड एरिया, एयरपोर्ट है वहां पर, हाईवेज है वहां पर, रेल नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी है, ये चीज हमारे पास नहीं है। लेकिन याना कह रही कि वहां के लीडर्स ने वो पैसा जिनको दिल्ली से मिलता था वो अपने मतलब जो भी वो करते थे लेकिन अपने ऊपर वो लगाते थे, ना कि कश्मीर। बड़ा अच्छा वीडियो था इसमें, मेरे को लगता है जो लेडी थी वो कश्मीरी ही होंगी, वहीं पे रहती हैं, और उन्होंने मेरे अंदर अगर सुनोगे ना, शी वॉज वेरी एंग्री कि पाकिस्तानी जो है क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, वही हमारे दिल में है कि तुमको क्या लेना हमारे कश्मीर से, तुम क्यों हमसे बातें करते हो, तुम उसके बारे में क्यों न्यूज दे रहे हो, तुम हमसे मतलब इस टाइप की बातचीत भी नहीं हमें तुमसे करनी, भैया कश्मीर हमारा है, प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, तुमको क्या लेना देना। तो वही वो कह रहे थे, तुम क्या बोलते रहते हो, हमें कोई लेना देना नहीं। और जो हमारे वो जो बने हुए थे लीडर्स, वो हमारे लीडर्स ही नहीं थे जब उनको बंद किया था, तो कोई भी उनके उनके लिए खड़ा हुआ नहीं था सपोर्ट में, क्योंकि हमें पता है कि वो अपना फायदा देख रहे थे, गवर्नमेंट से पैसे ले रहे थे और वो पैसा आम लोगों की वेलफेयर के लिए उन तक पहुंच भी नहीं रहा था, वो खुद बस जैसे कहते हैं ना गुंडे जो है हफ्ता लेते हैं, दैट वाज फैंटास्टिक। अब ये है कि अगर ये सोच अगर हर एक कश्मीर में रहने वाले की है,
तो कश्मीर को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकेगा, और ये जो पाकिस्तान से जो इन्फ्लुएंस आता है या वो कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, वो खत्म हो जाएगी। ऐसे लग रहा है 56% लोग जो हैं वो तो समझ गए हैं, अब वो जो दूसरे थोड़े बचे हुए उनको थोड़े टाइम में भी समझ आ जाएगी। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा इन लेडी ने कहा है कि देखिए कि यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे बेटर है, मगर वो ठीक है, इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वो और भी तेज हैं। अभी हो जाएगा जब 370 चला गया सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मगर अभी भी हम आपसे बेटर हैं। इनडायरेक्टली बता रही है, कुछ साल रुकिए फिर देखिए कितने फर्क आता है। फिर वो यही कह रही है कि हम बड़े खुश हैं जो भी हो रहा है, और जो अभी जिसके हाथ में पावर आ रही है वो लोकल लीडर्स के हाथ में आ रही है। वही कह रहे हैं कि वो फैमिलीज थी, उन्होंने क्लियर किया वो कैसे पैसा लेती थी, इनको कुछ मिलता नहीं था, उनकी फैमिलीज की जेबों में जा रहा था, डायनेस्टी सिस्टम था, तो वो खत्म हो गया। बड़े खुश हैं लोग कि खत्म हो गया। यही कह रही है, जब वो जेल में गए थे कोई आया था, किसी ने नारेबाजी की उनको छुड़ाने की, किसी ने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि उनका हाल क्या किया था इन लोगों ने। नहीं वो तो कहते थे इंडिया का फ्लैग नहीं हम लहराने देंगे वहां पे, अब बोले बड़े हम हिंदुस्तानी है, हम इंडियन। इसीलिए अब जो है पावर चली गई है लोकल लोगों में, जब लोकल लोग वहां पे उनके हाथ में पावर आएगी, जब एरिया स्टेबलाइज हो जाएगा तो यूनियन टेरिटरी हट जाएगी, वापस स्टेट बन जाएगा। ये तो टेम्पररी फेज है, जब यहाँ पे ग्रोथ होती है, और मुझे पता नहीं क्या प्लान है कि पीओके लेने के बाद उसको स्टेट बनाएंगे क्या होगा कुछ पता नहीं, मगर ये पीओके जोर जबरदस्ती से नहीं लेंगे, मुझे लगता है वॉलेट आराम से हो जाएगा। पाकिस्तान खुद ही बोलेगा ले लो क्योंकि मैं डूब रहा हूँ, कुछ पैसे दे दो मुझे, ऐसा होगा मुझे लग रहा है। शांति से ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपका जो ओरिजिनल आपकी जगह थी वापिस आ जाएगी इंडिया के पास, और स्पेशली लोग वहां पे बोलेंगे देखो यहाँ पे इतनी प्रोग्रेस है, एनफ हो गया, हम तो जा रहे हैं जहां जहां हमारा राजा चाहता था। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होगा, बट काफी अच्छा है कि ये पाकिस्तान के लोगों से बात करने का उनको शौक नजर आ रहा है। उनको तो उनकी शक्ल थी देखी थी कि जब वो कर रही थी तो वो कह रहे थे नहीं, मतलब जो भी है, मतलब उन लोगों को खुद ही शौक लग रहा है कि कश्मीर में इतना अच्छा चल रहा है और हम क्या बोलते रहते हैं। तो वेरी नाइस, आंखें खोल रहे हैं उनकी भी। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।